हम लोग को बहुत दुख है, इसमें हमारे दो साथी शहीद हुए हैं और जो दो जख्मी हुए, लेकिन श्रीनगर पुलिस और बांडीपुर पुलिस मिलके दोनों मिलके बड़ी रात जग के हम लोग लैब में पूरा करके केस को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूँ कि एक मुजफ्फर अहमद मीर है जो कि मलोरा परिगांव थाना पड़ता है श्रीनगर का, वो अबू अबरार जो है बोलते हैं कोर्ट नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एलईटी का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है, उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा दो कहियो ओडब्ल्यू दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूंगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गांव का जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उसको उसे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जब बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था, जब कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला, फिर उसको फर्दर इंटरोगेट किया, उन्हें पूरा कहानी बताया। उसको कहानी बताने के बाद हम लोग मुजफ्फर को अरेस्ट किए और जो इस जो क्राइम में टेरर इंसिडेंट में जो कार जो एक मारुति कार है जिसका नंबर है HR10Q6583, उस गाड़ी जो मुजफ्फर की गाड़ी है गाड़ी को विसीज कर लिए, तो दो जो उनके जो OHW है उसको पकड़ लिए हैं और गाड़ी को विसीज कर लिए। अब जो उसके साथ जो बराड जो टेररिस्ट है और उसके साथ दो FT था, इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। रात भर हम लोग आर्मी CRP पुलिस मिलकर दो जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे। संजोग से हाईडोर से भाग गया था चूंकि खबर मिल चुका था उसको कि दोनों पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर आज तो दो गिरफ्तारियां अभी तक आपने फाइनल की है। जी हाँ, और दोनों कन्फेस भी कर लिया है और जो एविडेंस भी मिल गया है। सर कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तो आपने नदीम अबरार भट्ट का और मुजफ्फर और जावेद नदीम अबरार भट्ट है, ये टेररिस्ट एलिटी का राइट, ये नागवल का बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है, और दूसरे उसको जो असिस्ट किया है उसका नाम है मुजफ्फर अहमद मीर जो मलोरा मुंजगुंड पारिमपुर थाना के एरिया में पड़ता है वहाँ का है, और उसको असिस्ट किया है जो मिल्टन को गाड़ी में बैठा के फिर बांडीपुर छोड़ कर आया था, उसका नाम है जावेद अहमद शेख, उसी विलेज का है, और जो मुजफ्फर जो है वह टेररिस्ट का क्लोज रिलेटिव है। सर जिस तरीके से ये अटैक हुआ, आपको मालूम है कि बागात में अटैक हो गया था दिन दहाड़े, वो गन लेके आया था गनमैन, और उसके बाद SOPs बता दिया गया था कि उसको फॉलो किया जाए और खासतौर से BP हेलमेट्स लगाए जाएं, BP जैकेट्स लगाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा अटैक होता है, तो क्या ये इस तरीके की तैयारी करते हैं कि अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर काफी लेते हैं और बहुत सारा हादसा को टाल लेते हैं हम लोग, और कभी कभी कल इंसिडेंट हो गया दुखदपूर्ण है, इसमें जो कुछ कमियां रही होगी उसको हम लोग देख लिए, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ये प्रोफेशन का पार्ट है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। सर क्या वहां तक ये पैदल आए थे? सर क्योंकि कल CRPD ये कहा था कुछ ऑफिसर्स ने कि वहां तक वो पैदल आए, किसी पहले गाड़ी में उसको लाया, वहां से करीब 150 मीटर उसको उतार दिया, फिर पैदल आया और टेररिस्ट फायरिंग किया, फिर जावेद उस गाड़ी में बैठा कर उसको सुंबल तक छोड़ाया। एक हथियार अजी साहब, पिछले 12 दिनों में 3 बैंक रॉबरीज हुई है, अटैक्स भी हुए हैं, खासतौर पर श्रीनगर में जिस तरीके से अटैक, क्या मिलिटेंट बेस शिफ्ट हो गया है श्रीनगर? पिछले 12 दिन में जो 3 इंसिडेंट हुआ बैंक रॉबरी का, जिसमें कि 3.5 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख हुआ है, ये 13 इंसिडेंट है, ये नॉर्मल क्राइम है। उसमें बड़गांव पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया, इंटरोगेशन चल रहा है, उसने 2 केस का कन्फेस कर लिया है और इसको जल्दी हम लोग आपसे शेयर करेंगे, उसमें 2-3 को अरेस्ट करना है। लेकिन मिलिटेंट जो बेस शिफ्ट हो रहा है श्रीनगर में, श्रीनगर को आप टारगेट किया जा रहा है, तो कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस? आप देखेंगे पिछले 10 साल के प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि श्रीनगर सिटी का जो आउट स्कर्ट है हरदम हॉट रहा है, खास के जो एक्सिस है NSW जो है इस पर हॉट रहा है, क्योंकि ये देखिए सुम्बल बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, बारामूला से मिलता है, बड़गांव श्रीनगर से, ये गेटवे है श्रीनगर का नॉर्थ कश्मीर के लिए। तो हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, श्रीनगर में बड़ी ऑपरेशन नंबर 1 मेरा SSP लाए हैं, बड़गांव में SSP ऑपरेशन लाए हैं, दोनों SSP मिलकर इसको प्लान कर रहे हैं, और इस गैंग जो है ये टेररिस्ट का जो कुछ है यहाँ आउटफिट का कुछ है
OSW प्लस टेरिस को जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा। क्या इन अटैक्स का अमरनाथ यात्रा पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि कोई असर नहीं पड़ेगा, तब तक इस ग्रुप को हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैन आई से समथिंग? हां प्लीज। इफ यू चूज टू डांस विद द डेविल, इट इज द डेविल हु कॉल्स द ट्यून। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द कश्मीरी पीपल टू नाउ मेक अ चॉइस whether they would like to choose peace and harmony or violence. Thank you. Thank you. Thank you.